अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली मम्मी और सार का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसे देख लें, नहीं तो आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी। पार्ट में हमने देखा था कि गुल्ली बुल्ली सॉन जंगल में मछली मारने गए हुए होते हैं, तभी गुल्ली को नदी में नहाने का मन कर देता है और वो नदी में इन लोगों से दूर नहाने चला जाता है। फिर नहाते नहाते उसे पता चलता है कि इस नदी के पानी में कुछ जादुई शक्तियाँ हैं जो उसे नीचे खींच ले जाती हैं। फिर पानी के रास्ते होते हुए गुल्ली मम्मी के पास पहुँच जाता है और मम्मी उसे बेहोश कर देती है। इधर बुल्ली और सॉन ढूंढने लगते हैं, फिर वहाँ एक सार्क निकलती है जो सारी बात बताती है कि ये एक नदी श्रापित नदी है। बुल्ली और सॉन बाबा को याद करते हैं, फिर वो सार्क बाबा को रास्ता बताती है मम्मी के पास जाने के लिए। फिर वो लोग मम्मी के पास पहुँच जाते हैं। फिर बाबा बुल्ली और सॉन उस पिरामिड के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर गुल्ली बेहोश पड़ा है। बाबा सॉन से बोलते हैं, सॉन गुल्ली के पास जाके गुल्ली को जगाओ। तभी अचानक से मम्मी आ जाती है। मम्मी आते ही कहती है, तुम लोग यहाँ कैसे आए हो, मुझे तो पता भी नहीं चला है कि नदी के रास्ते कोई आया है। बाबा मम्मी को मारने लगते हैं। मम्मी को मारने के बाद बाबा जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, मम्मी उन्हें मार देती है। बाबा बेहोश हो जाते हैं। यहाँ बुल्ली और सॉन को समझ में नहीं आता कि वो कैसे मम्मी के चंगुल से बचे, क्योंकि अगर वो मम्मी के चंगुल से नहीं बचेंगे तो वो सारे के सारे मम्मी बन जाएंगे। मम्मी कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती है जिससे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि कुछ अब होने वाला है। मम्मी पूछती है कि तुम दोनों में से पहले कौन मरना चाहता है, क्योंकि वो दोनों तो उधर मरे पड़े हैं, तुम दोनों में से पहले कौन जाएगा। कहता है, मम्मी हमें जाने दो, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। फिर बुल्ली की ये बातें सुनकर सॉन बोलता है, हाँ हाँ मम्मी हमें जाने दो, हम फिर कभी इधर नहीं आएंगे, गलती से भी नहीं आएंगे, लेकिन आज हमें जिंदा छोड़ दो। फिर मम्मी बुल्ली को बेहोश कर देती है और सॉन से बोलती है कि अब सिर्फ तुम बचे हो, तो तुम थोड़ी देर रुको, तब तक मैं इन तीनों को मम्मी बना देती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास भी आती हूँ तुम्हें मम्मी बनाने के लिए। अचानक से बाबा को होश आ जाता है, उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मम्मी अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम नहीं बचोगी, क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। फिर बाबा उड़ते हुए मम्मी को मारने लगते हैं और बाबा मम्मी को इतना ज्यादा मार देते हैं कि मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा उसका। फिर मम्मी बाबा से बोलती है, तुम लोग सब के सब यहाँ से चले जाओ, लेकिन बाबा मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। पता चल चुका है कि बाबा तुम में बहुत ही ज्यादा शक्तियाँ हैं और तुम्हारी शक्तियों को हराना नामुमकिन है। फिर बाबा अपनी शक्तियों से बुल्ली को ठीक कर देते हैं। फिर बुल्ली उठ खड़ा होता है और बाबा से बोलता है, बाबा बाबा मुझे बचाओ, नहीं तो मम्मी मुझे मार देगी। बुल्ली अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मम्मी को पूरी अच्छी तरह से सबक सिखा दिया है और वो अपनी गलतियों की माफी मांग रही है, तो अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मम्मी, समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर मम्मी बाबा से कहती है, हाँ हाँ बाबा मुझे पता चल चुका है कि तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर क्या शक्तियाँ हैं, तो मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे पर हमला किया है। तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो और मैं तुम लोगों को अब कुछ नहीं करूँगी। रुको मैं तुम्हारे एक दोस्त को भी जल्द से जल्द ठीक कर दूँ, क्योंकि तुम लोग उसे लेके चले जाना। हाँ जल्दी ठीक करो गुल्ली को, काफी देर से गुल्ली बेहोश पड़ा हुआ है, मुझे उसे देखना है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है। फिर मम्मी अपनी जादुई शक्तियों से गुल्ली को होश में ला देती है। गुल्ली होश में आते ही बोलता है, मम्मी मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। जैसे बाबा कहते हैं, गुल्ली तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ तुम्हें बचाने के लिए, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब तुम घर चलोगे मेरे साथ। हाँ हाँ बाबा चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं, पता नहीं कब क्या यहाँ पर हो जाए। जाते जाते मम्मी बाबा से बोलती है, बाबा आपने मुझे तो बता दिया कि आप कौन हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ये इजिप्ट है और यहाँ पर मेरे जैसी हजारों मम्मियाँ हैं, तो आप अच्छे से जाना, क्योंकि कब कौन सी मम्मी आपके सामने आके खड़ी हो जाए मुझे भी नहीं पता। ठीक है मम्मी, लेकिन अब तुम किसी और को ऐसे तंग नहीं करोगी और तुम अपनी उस श्रापित नदी को जल्द से जल्द अपने श्राप से मुक्त करो। मम्मी को इतनी सारी बातें कहने के बाद बाबा गुल्ली बुल्ली और सॉन उस पिरामिड के अंदर से निकलने वाले होते हैं और अपने घर की तरफ जाने के लिए तैयार रहते हैं। तभी बाबा जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, एक और मम्मी वहाँ पर आके खड़ी हो जाती है और वो कहती है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम लोग नहीं बचोगे। इतना कहने के बाद बाबा कहते हैं, अब तुम कौन हो,
एक को तो मैंने सबक सिखा दिया, अब तुमको भी सिखाना होगा क्या? तो अब क्या होगा? दूसरी वाली मम्मी बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन को मार के मम्मी बना देगी या बाबा इस मम्मी को भी मार देंगे? ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप सभी को पता चल जाए कि बाबा के साथ क्या होगा।